दोस्तों, अगर आपको भी क्रोम ब्राउजर में किसी ऐप को इंस्टॉल करने पर पैकेज नोट इंस्टॉल की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से आप किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अब तक बहुत सारी ट्रिक अप्लाई करके देख ली होगी, बट आपकी ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई होगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो अब सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सी सेटिंग करके देखनी है। प्ले स्टोर पर आइए, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का अपडेट मिला होगा, तो आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लेना है। इसके बाद आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। अब आप उस ऐप को इंस्टॉल करके देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो अब शुरू होता है मेन प्रोसेस। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको एप्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे मैनेज एप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको शो ऑल एप्स पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन भी आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रोम, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर का क्लियर डाटा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर, तो यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। तो अब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का क्लियर डाटा कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आ जाइए, इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पैकेज, तो यहाँ पे पैकेज की जितने भी एप्लीकेशन शो कर रहे हैं आपको इन सभी का यहाँ पे क्लियर डाटा कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी का क्लियर डाटा कर लिया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्रोम ब्राउजर का क्लियर डाटा करना है, प्ले स्टोर का करना है, साथ ही पैकेज के जितने भी ऐप वहाँ पे आए सभी का क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऊपर की साइड सेटिंग के आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों सेटिंग को बंद कर देना है। नाउ अब आप यहाँ पे बैक आ जाइए। इसके बाद आप फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को फाइंड कर लेना है जो एप्लीकेशन आप क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि वो फेसबुक एप्लीकेशन था जो मैं क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ से मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें इसे अननोन सोर्स की परमिशन अलाउ करनी होगी। तो अननोन सोर्स की परमिशन अलाउ करने के लिए सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको इस सेटिंग को अनेबल कर देना है। तो चलिए अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे 90% बंदों की इन सेटिंग को फॉलो करने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जिन 10% बंदों की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, उन्होंने अपने मोबाइल में एक सेटिंग कर रखी होगी जिस वजह से आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। तो इस सेटिंग को बताने के लिए मुझे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी होगी, वरना यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अभी आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग ओपन कर लेनी है, तो आपको यहाँ पे सेकंड स्पेस की सेटिंग मिल जाएगी, आप इसे ओपन कीजिए। तो जिन 10% बंदों की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, उन्होंने अपने मोबाइल में 100% ड्यूअल स्पेस क्रिएट कर रखा होगा जिस वजह से उनकी ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तो आपको अपने ड्यूअल स्पेस में चले जाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्यूअल स्पेस में आ चुका हूँ, और जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे थे वो एप्लीकेशन आपका ऑलरेडी ड्यूअल स्पेस में इंस्टॉल हुआ होगा। देख सकते हैं फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिस वजह से प्राइमरी स्पेस में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो अब सिंपल है, इसे हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो डिलीट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम प्राइमरी स्पेस में चलते हैं। अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्यूअल स्पेस को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप फाइल मैनेजर में आएंगे, उस एप्लीकेशन को अब आप यहाँ पे इंस्टॉल करके देखिए, वो एप्लीकेशन आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर बाई चांस आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है,
तो हो सकता है कि आपने किसी ऐसी वेबसाइट एपीके इंस्टॉल कर लियो जो कि इनकम्प्लीट हो। तो आपको करना क्या कि आपको दूसरी वेबसाइट से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो जितनी भी मैंने आपको सेटिंग टिप्स बताई है उनको अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आपका वह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिख देना।